हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ हैं और मैं हूं फैसल हरल और इशा तारिक अलीजा ताहिर। भाई एक वीडियो, इतनी ज्यादा इसकी डिमांड आई हुई, आप कुछ कहने वाले थे? मैं ये कहने वाला था कि इस वीडियो के साथ साथ ये बहुत डिमांड आई हुई थी कि आप सब मिल के जो है वो वीडियो को रिएक्शन दें, सबकी ओपिनियन हमें देखनी है। जो है विवेक बिंद्रा साहब की जो वीडियो है उनको देखें, तो वो मैं बीच में बोलने लगा था कि जो हमारी डिमांड है वो हम सब ने पूरी की है और हम आगे अनाउंसमेंट ये कर दें कि हम बहुत सारी वीडियोस में जो है वो सब मिलके आएंगे, सारे मिलजुल। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जो हमारे जो डिमांड कर रहे हैं वो ये तो कह रहे हैं कि आपने इनकी देखनी है, एबीजी अब्दुल कलाम की, आपने डॉक्टर एबीजी अब्दुल कलाम की वीडियो आपने देखनी है, लेकिन उनकी वो है कि आपने विवेक बिंद्रा की ही देखनी है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो रहता है अटैचमेंट है ना, क्योंकि जो जो जिस पर्सनैलिटी के बारे में वीडियो है वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है इंडिया में और उनको चाहिए कि डॉक्टर जो विवेक बिंद्रा हैं वो बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, तो उनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन हमें देखनी और फिर हमें अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू देना। और उनका ये भी था कि हमने पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखना है इसमें, भाई कि पाकिस्तानी कैसा रिएक्ट करेंगे इस पे। अब देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं कि इस वीडियो में क्या है। और वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, 30 मिनट्स की। हाँ, ये भी चीज साथ हम डिस्कस कर लें कि वीडियो की ड्यूरेशन है 30 मिनट और हम जो है वो ज्यादातर जो बात है वो वीडियो सुनने के बाद ही कर पाएंगे, तो आपने वीडियो को क्योंकि अलीजा ईशा और जवेरिया ने बहुत सारी चीजें जो है ना वो डिस्कस करनी होती हैं, मैं तो बड़ी कम करता हूँ, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जो है वो आपने जरूर देखना है। ड्यूरिंग वीडियो रिएक्शन जो है ना आपने छोड़ना नहीं है, एंड तक जाना है क्योंकि हम जब देखेंगे फिर ही हम कुछ बोल पाएंगे। तो वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि मोस्ट पावरफुल बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या बात है भाई, बड़ा नाम और पता ही है सबको, सबको और सब जानते हैं और हम उससे पहले कोई नहीं बात करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि वीडियो के एंड पे ही सारी बात की जाए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ा बिजनेस साउंड, वो नहीं है जो नींद में आते हैं, सपने तो वो है जो नींद आने नहीं देते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। करता रहे तू इंतजार, बन जा आलसी, कुछ नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com, खड़ा हो गया हूँ रामेश्वरम के उस मल्ला के बेटे, उस मल्ला के बेटे जिसके एक कान में गीता के श्लोक गूंजते थे और दूसरे कान में डार्विन के सिद्धांत। नाव पे तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम के मंदिर लेके जाया करते थे और जब तीर्थयात्री रामेश्वर मंदिर की परिक्रमा करते थे उतनी देर बैठ के ये फिजिक्स के सिद्धांत पढ़ा करते थे। बिखरी जुल्फों वाले सिर्फ मेरे या आपके नहीं बल्कि पूरे देश के चहेते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज बात करेंगे। एपीजे, ए मतलब अबुल उनके परदादा, पी मतलब पाकिर उनके दादा, जे मतलब जैनुल अब्दीन उनके पिताजी और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम। 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2008 जनवादी राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट। एक बार की बात है, कॉन्फ्रेंस में एक अंग्रेज ने पूछा कि अब्दुल कलाम कौन है, एक वाक्य में बताइए, तो वहां बैठे एक बच्चे ने जवाब दिया, ही इज सिंपल इंडियन हु इज इनएक्सप्लिकेबल, यानी कि जिसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते इवन विद द बेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है, वो जो नाउन को समझाता हो, संज्ञा की विशेषता को विशेषण बोलते हैं, दुनिया के सारे विशेषण लगा दो पर उनकी विशेषता को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसे थे अब्दुल कलाम। एक बार किसी बच्चे ने उनसे पूछा सफल होने का क्या मंत्र है, बोले चार चीजें करनी है, चार बातें समझ लो, ये वीडियो गेम चेंजर है, चार बातें। बोला सफल होने के लिए पहले बनाओ बहुत जबरदस्त एम, ग्रेट एम। दूसरा, उस एम के लिए सारी नॉलेज एक्वायर करते जाओ, उसके लिए जो चाहिए नॉलेज एक्वायर कर लो। तीसरा, फिर करो दबा के हार्ड वर्क। और चौथा, परसीवरेंस, हार नहीं माननी भैया, क्या नहीं माननी, हार नहीं माननी। जीवन को हमेशा ऐसे जियो कि जीवन खत्म होने के बाद भी लोग जिंदगी भर आपको याद रखें, अपनी अपनी जिंदगी तक आपको याद रखें। शुरू से शुरुआत करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म रामेश्वरम के तमिलनाडु में हुआ था। कमजोर आर्थिक स्थिति के एक मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ। पेशे से उनके पिता नाविक थे और पिता क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो शुरू से उनको काफी तकलीफें आई। एक बार क्लास के अंदर उनका एक दोस्त हुआ करता था जो कि मुख्य पुरोहित को बेटा था और मुख्य पुरोहित को बेटा जो रामदास शास्त्री अपने इसके साथ में पहली बेंच में बैठे, मास्टर जी नाराज हो गए, ए मुसलमान लड़का प्रमुख शास्त्री के बेटे के साथ पहली बेंच में कैसे बैठा। उनको लगा कि थप्पड़ पीछे बैठा दिया, भाग पीछे जाकर के बैठ। अब्दुल कलाम चुपचाप जाके पीछे बैठ गए और क्या सोचे इस घटना पे उन्होंने उस दिन संकल्प लिया, पीछे बैठ के दुनिया बदलूंगा। और पीछे बैठना कोई मायने नहीं रखता, इसलिए वो कहा करते थे देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पे भी मिल सकता है। अच्छा, परिवार बहुत बड़ा था, 10 भाई बहन थे, पैसों की कमी तो होनी थी,
तो अपने खर्चा निकालने के लिए अखबार बेचना शुरू किया छोटी उम्र में। अखबार क्यों बेचते थे? इनको मतलब पैसा तो मिलेगा, लेकिन सारे रस्ते में बेचते वक्त पूरे अखबार को पढ़ जाओ, चलते चलते सारे अखबार को पढ़ जाया करते थे। 8 साल की जब उम्र में थे ना, ये बहुत छोटे थे, इनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक मास्टर जी बहुत बढ़िया गणित पढ़ाते थे और बोले सुबह 4 बजे 1 घंटे की क्लास फ्री है, उसी बच्चे को पढ़ाओ सुबह 4 बजे जो नहा धो के आएगा। अब ये कई किलोमीटर दूर सुबह 3 बजे उठ के तैयार हो के नहा के ठंडे पानी से किसी भी मौसम में सर्दी हो बारिश हो या तूफान हो 4 बजे पहुंचा करते थे। कलाम जब रात को भी घर में पढ़ते थे तो उनकी वहां पे लालटेन होती थी केरोसिन ऑयल से जलने वाली, 7 से 9 केवल 2 घंटे का तेल था इनके पास में, वो केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल। लेकिन पिताजी माताजी इनकी जब देखा पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उन्होंने अपने लिए अंधेरा रखा और इसके लिए 11 बजे तक किया। मेहनत से कभी डरे नहीं, ईमानदारी से कभी हटे नहीं, छोटा लक्ष्य देखना पाप के समान है, इसलिए हमेशा महान लक्ष्य चुनना होगा। जब 5वीं क्लास में थे उनके टीचर सुब्रमण्य मैयर, श्री शिवा सुब्रमण्य मैयर, जो बच्चों को सिखा रहे थे चिड़िया कैसे उड़ती है, उसकी डिटेल की डिटेल, चिड़िया कैसे उड़ती है, चिड़िया कैसे उड़ती है, बच्चों को समझ ही ना आए, तो ये उनको वहीं समुद्र के किनारे ले गए और वहां उड़ती हुई चिड़िया दिखाई और वो लाइव एग्जांपल जब दिखाया चिड़िया उड़ती हुई उसकी डिटेल की डिटेल पंखों की समझाई, तो उनके दिमाग में वहीं से इनका प्रोफेशन शेप हो गया। उनका घर समुद्र के करीब था और इच्छाएं आकाश से आगे थी, वहीं से एरोनॉटिक्स इनको समझ में आया। हाई स्कूल इन्होंने रामनाथपुरम के एक श्वार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में किया और एक दिन एक बार अपने स्कूल में किसी गलत क्लास में पहुंच गए और गलत क्लास में जब अंदर घुसे तो टीचर ने इनको चपत लगाई, जब तक तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारी क्लास कौन सी है, मैथमेटिक्स की क्लास में तुम गलत क्लास में पहुंच गए तो तुम क्या पढ़ोगे और क्या आगे बढ़ोगे। और वहीं इन्होंने इतनी पढ़ाई करी मैथमेटिक्स में कि 100 में 100 नंबर ले आए। टीचर भी हैरान हो गया, सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना पड़ता है। बचपन से ही आसमान में उड़ने की इच्छा थी, इसीलिए इन्होंने मद्रास के हाईएस्ट कॉलेज, देश का सबसे अच्छा कॉलेज था MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। बहन ने काफी पैसा अपना सोना गहना गिरवी रख करके इनको 1000 रुपए दिया कॉलेज में। अब एरोनॉटिक्स था तो विमान के डिजाइन बनाने थे, प्रोजेक्ट मिला, अब विमान के डिजाइन बनाने में लग गए और डिजाइन जो बनाया और टीचर को दिखाया, टीचर को पसंद नहीं आया और टीचर ने कहा अगर तुम एक अच्छा डिजाइन नहीं बना सके ना अब्दुल कलाम तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। इनका दिमाग चकरा गया। टीचर की ये बात सुन के पांव के नीचे जमीन खिसक गई। 1000 रुपए बहन ने गिरवी रखे, मुझे कहने अपने दिए थे और इन्होंने टीचर से कहा मुझको 1 महीना दे दो बहुत बढ़िया डिजाइन दूंगा। टीचर ने कहा कोई 1 महीना नहीं, 3 दिन। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जो नींद और निंदा पे विजय पा लेता है उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद MIT की परीक्षा अच्छे नंबर से उन्होंने पास करी। अब पढ़ाई तो इनकी हो चुकी थी, अगली लर्निंग इनके जीवन से क्या है, फेलियर को हार्ट में और सक्सेस को हेड में घुसने नहीं देना चाहिए, दिल और दिमाग को कंट्रोल में रखो। अब इनके पास 2 इंटरव्यू की ऑप्शन आई, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और दूसरी एयरफोर्स से। इनको कहां जाना था आपको एयरफोर्स में, और जो डिफेंस का था वो दिल्ली में था और एयरफोर्स था देहरादून में, तो दिल्ली होते हुए देहरादून जा रहे थे और वापसी पे इनको दिल्ली आना था। अब जब ये देहरादून गए वहां पे 25 लोग एग्जाम देने आए वहां इंटरव्यू के लिए, जिनको वहां पे एयरफोर्स में सिलेक्ट होना था। अब 25 में से सीटें थी खाली 8 और इनकी रैंक क्या आई 9वीं, 1 नंबर से पीछे। अब आई थिंक फिर ये 8 लोग सिलेक्ट हो गए, ये वहां रह गए। देहरादून से जब उतरते सबसे पहले आता है ऋषिकेश, ये ऋषिकेश गए, वहां को मिले स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद तो बहुत पॉपुलर है आज भी, ऋषिकेश में उनके कई मठ है, तो उन्होंने शिवानंद के जाकर के अपनी तकलीफ बताई। उन्होंने इनको गीता पढ़ने के लिए जब बताया और इनसे कहा कि अगर ख्वाहिश आपके दिलो जान से निकले, पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो तो कमाल की एक अजीब सी ताकत होती है उसके अंदर, इसलिए जो तुमने सोचा है वो होगा, तुम विश्वास रखो। ये गीता का लर्निंग था। यम यम तम तम, जैसा जैसा वैसा वैसा, यम यम वापी स्मरण भावम, जहां तुम्हारा स्मरण और भाव होगा वैसे पक्का बन जाओगे। कलाम उसके बाद जब दिल्ली लौट के आए अपने गुरु से मिलने के बाद, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नौकरी बची थी DRDO की, किसको पता था वही DRDO इनके देश को आगे बढ़ाने में सबसे कारगर होगा। ये वहां प्रमोट हुए और इनके साथ डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में आ गए। आप जानते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई पे भी हम वीडियो बनाए, ये पेट्रियोटिक थे, ऑपर्चुनिस्टिक नहीं थे, अब्दुल कलाम विशेष व्यक्ति थे। 1963 में विक्रम साराभाई की टीम से इनको सिलेक्ट किया गया कि इनको नासा भेजो। 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए नासा गए।
नासा समझो भैया, नासा 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 बहुत बड़ी बात है। नासा इनको देख के चौंक गया, बोला यार लड़का बहुत जबरदस्त है। और इनको क्या बोला, भाई तू बहुत चैंपियन है, मेरी बात सुन, तुझको दे रहे अमेरिकन सिटीजनशिप, यहीं रह जा, तनख्वाह देंगे इंडिया के 5 गुना ज्यादा, अमेरिकन सिटीजनशिप, यहीं किसी गोरे से शादी कर, ओए होए जिंदगी में आराम ही आराम। अपनी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा में इन्होंने बताया कि एक बार के लिए इनके मन में भी विचार आया कि क्या मैं यार कि क्यों ना आराम से जिंदगी गुजारे, बहुत चुनाव करना कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए या मालामाल होने के अवसर को गले लगाया जाए या पैसों और करियर के लिए। इन्होंने सोचा विदेश नहीं जाएंगे, देश सेवा के इस अवसर को नहीं गवाएंगे, लौट के देश आ गए। डिफिकल्टीज हमेशा आपकी सफलता के रास्ते में आएंगी। अगली कहानी, काफी डिफिकल्टीज आई जब इन्होंने शुरुआती टीम साइंटिस्ट की इसरो में ज्वाइन करी। वो क्या कहते हैं, देखो लर्निंग समझना, इन्होंने हमेशा डिफरेंशिएट किया। प्रॉब्लम अलग है, इंडिया आ गया, प्रॉब्लम और इनकन्वीनियंस अलग अलग चीजें होती है। अगर आपके घर में भैया आग लग जाए, घर में आग लग गई, धूं धूं के घर जल रहा है, और उसी वक्त आपकी गर्दन भी टूट जाए, हाथ भी टूट जाए, पांव भी टूट जाए, उसको बोलते हैं आप मुसीबत में। बाकी सब कुछ केवल सामान्य असुविधाएं होती है। इनके जीवन में इन्होंने असुविधा पे ध्यान नहीं दिया, रियल प्रॉब्लम पे ध्यान दिया। असुविधा बहुत आई क्योंकि ये शुरुआती टीम में इसरो के ज्वाइन किए थे। जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी और उन पर अगर आपने काबू पा लिया तो उतना ही बड़ा आपका नाम भी होगा। जब इन्होंने ज्वाइन किया हमारे शुरुआती दिनों में तो सेंट मेरी चर्च था, कुछ नहीं दिया गया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी वहां पे। सेंट मेरी चर्च को इन्होंने अपना ऑफिस बनाना पड़ा इनको। वहां सारे साइंटिस्ट इंजीनियर जो नासा से ट्रेन होकर आए थे वो चर्च में बैठ के ऑफिस में बैठे, और बीच पे उन्होंने समुद्र के किनारे अपना रॉकेट का लॉन्च पैड बनाया, और जो अस्तबल होता है या बल्कि कैटल शेड जो गौशाला होती है वहां की लेबोरेटरी बन गई। बिशप जो चर्च के फादर थे उनके घर को इन्होंने अपना वर्कशॉप बनाया। साइकिल पे और बुलक कार्ट पे, बुलक कार्ट समझते बैलगाड़ी, रॉकेट के छोटे छोटे पार्ट और सैटेलाइट आदि फोटोग्राफ्स है। सारी डिफिकल्टीज के बीच में इन्होंने पहला साउंडिंग रॉकेट 1963 में लॉन्च किया था। ये इतना मशगूल हो गए भैया काम में, इतना मशगूल हो गए, इनकी सगाई फिक्स हो गई थी उस समय, ये 32 साल की उम्र थी, इनकी सगाई फिक्स हो गई, ये काम में लगे रहे भैया, रॉकेट जाएगा, देश का पहला रॉकेट जाएगा, सगाई में जाना। रविंद्र साहब का स्टाइल भी अपना ही है, कठिनाइयां आएंगी और चली जाएंगी। 1969 में इसरो के डायरेक्टर की जब इनको कमान दी गई तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि कभी सैटेलाइट को भेजते हैं तो उसका एक लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है। एक होती है गोली ठा और एक होती है गोली के लिए बंदूक जिससे गोली निकलती है, तो एक लॉन्च व्हीकल होता है जिससे सैटेलाइट को भेजते हैं और जो अपने ऑर्बिट में जाके सेट होता है। तो जब इनके पास पैसा नहीं था वहां पे, इन्होंने क्या कहा कि भैया SLV-3 के लिए काम करूंगा और PSLV के लिए काम करूंगा। SLV-3 में 1 रुपया लगेगा, PSLV में 1 रुपया लगेगा, तो दोनों मिला के 2 रुपया लग जाएगा। तो ऐसा करते दोनों को एक साथ करने का जुगाड़ करता हूँ, 1 रुपये 20 पैसे में कर दूंगा, 80 पैसा बच जाएगा। थोड़े कम खर्चे के अंदर दोनों प्रोजेक्ट पूरे कर दिए। इसके लिए उन्होंने सरकार से फंड मांगा, इंदिरा गांधी ने बोला फंड नहीं है, पब्लिकली मना कर दिया, प्राइवेटली थोड़ा सा फंड इनको दिया, और थोड़ा सा फंड मिलने के बाद ये जीत जान से अपने प्रोजेक्ट पर लग गए। अब अब्दुल कलाम है भैया, 18 घंटे रोज काम करते थे, साल के 365 दिन, लीप ईयर में 376 दिन भी काम करते थे। 1969 से 1989 तक 10 साल इन्होंने अपना जी जान से मेहनत किया, केवल 2 बार छुट्टी ली, 1 बार पिता के देहांत पे, 1 बार माता के देहांत पे, बाकी दिन कोई सैटरडे संडे नहीं, 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं। 10 साल के कठिन परिश्रम के बावजूद 1979 में इनका SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फेल हो गया। और जब फेल हुआ तो ये बहुत घबरा गए, क्योंकि उस समय ये इसके ऊपर पूरा देश देख रहा था, पूरी दुनिया की मीडिया देख रही थी, इनको हताश हो चुके थे। और उस परिस्थिति में इनके जो प्रोफेसर सतीश धवन जो चेयरमैन थे उस समय, उन्होंने इनको बुलाया कि आओ अब्दुल कलाम, चलो मीडिया इंतजार कर रही है, वहां जाके बात कर लो। कलाम घबराए हुए थे, अब सब कुछ मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये मिशन डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। एज ए मिशन डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर इनके फेलियर, अब इनके फेलियर पर पूरी दुनिया देख रही थी। और जब सतीश धवन ने इनको बुलाया तो ये और घबरा गए, अब मीडिया को क्या जवाब दूंगा। मीडिया ने कहा करोड़ों रुपया तुमने देश का लगा के बर्बाद कर दिया, तुम्हारे को क्या अधिकार था। और वहीं प्रोफेसर सतीश धवन ने माइक ले लिया और माइक लेकर के क्या बोला, ये टीम बहुत जबरदस्त है, पहली बार किया है, फेल हुए हैं, 1 साल के अंदर यही टीम दोबारा इसी SLV-3 को लॉन्च करेगी।
और दुगनी ऊर्जा भर दी टीम के अंदर सारे फेलियर को अब्दुल कलाम के फेलियर को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। ये देख करके अब्दुल कलाम हैरान हो गए। एक साल दोबारा जी जान से मेहनत करी, इंटेलिजेंस आ चुकी थी और इस बार SLV3 जब सफल हो गया उसके बाद फिर अब दोबारा प्रोफेसर स्टाइल कैसा बता देगा, कलाम जी के हाथ में दे दिया, बोला अब तुम सफल हो गए हो, अब जवाब तुम दोगे। अब्दुल कलाम हैरान हो गए, बोले दिस इज कॉल्ड लीडरशिप, हाउ टू हैंडल सक्सेस ये सबको आता है, हाउ टू हैंडल फेलियर ये प्रोफेसर धवन ने सिखाया कि जब मैं सफल होऊंगा तो टीम को क्रेडिट दे दूंगा और जब विफल होऊंगा तो सारा का सारा फेलियर अपने ऊपर ले लूंगा। इस बात से प्रभावित आगे चल के इंदिरा गांधी भी हो गई और देखा क्या उन्होंने कि ये दोनों ने बहुत जबरदस्त काम किया। उन्होंने प्रोफेसर धवन को बोला मैं अब्दुल कलाम से मिलना चाहती हूँ, इन्होंने अब्दुल कलाम को बोला आ जाओ भैया इंदिरा गांधी मिलना चाहती है। वो बोले भाई मेरे पास तो कपड़े नहीं, मैं चप्पल में फटी हुई घूम रहा हूँ, मैं कैसे उनके आकर के मिलूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कलाम तुम पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए हो, कलाम तुमने पहले से ही सफलता का सूट पहना है, कपड़ों का सूट नहीं चाहिए। और उन्होंने जाकर के वहां जब इंदिरा गांधी से मिले बड़ी प्रभावित थी, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे को डिफेंस में और काम करना पड़ेगा, इस समय चाइना भी पाकिस्तानी भी आजू बाजू सब लोग मिसाइल की तैयारियां कर रहे हैं, तुम मिसाइल बनाओ हमारे देश के लिए। और उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी से भी उनकी पहली मुलाकात हुई। अटल से जब उन्होंने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो अटल इनसे हाथ नहीं मिलाए, अटल बिहारी जी इनको गले लगा दिए। इंदिरा गांधी मुस्कुराई, बोलिए ध्यान रखना अटल बिहारी जी ये मुसलमान है। अटल बिहारी बोले ये मुसलमान बाद में है, पहले हमारे देश के नागरिक हैं और हमारे देश के महान साइंटिस्ट हैं। अब्दुल कलाम उनको देख के बहुत मुस्कुराए, सफलता पे सफलता मिल रही थी, उसका उन्हें इनाम भी मिल रहा था। 1981 में पद्म भूषण अवार्ड दिया, 82 में DRDO का डायरेक्टर बना दिया, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन DRDO उसके मुख्य पद पे आ चुके थे, पर मन से वो खुश नहीं थे। पहले उसमें इसरो मन से खुश नहीं थे क्योंकि जानते थे कि चाइना और पाकिस्तान मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है और उन्हें देश की सुरक्षा खतरे में नजर आ रही थी। उस दौरान कमाल की बात देखो, अजीबो गरीब इमेजिनेटिव व्यक्ति थे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने महाभारत को पढ़ना शुरू किया और महाभारत में बर्बरी की कहानी सामने आई, उससे बड़े इंस्पायर्ड हुए। बर्बरी की कहानी अलग सी थी, बर्बरी कहते हैं कि उनके पास 3 तीर है और 3 तीर से वो क्या करेंगे, पहले तीर में सबको प्रोटेक्ट कर लेंगे भाई, किस किस को प्रोटेक्ट करना है, दूसरे में किस किस को अटैक करना है, मेरी बात समझ लो, पहले 2 तीर में क्या करेंगे किसको अटैक करना है उन सबको डिसाइड कर लेंगे, उसके बाजू में किस किस को, सबको थोड़ी पूरा का पूरा शहर उड़ा दे, जिसको प्रोटेक्ट करना उसको सिलेक्ट कर लिया, जिसको अटैक करना उसको सिलेक्ट कर दिया, तीसरे तीर में गेम ओवर खत्म कर दिया। तो उनके पास 3 तीर थे, वहां सोचे यार ये तीर किसको प्रोटेक्ट किसको अटैक कैसे जाना है किधर किधर जाना, बड़े गाइडेड तीर है। वहां से उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम तैयार किया कि क्या क्यों नहीं कोई ऐसी मिसाइल बना दे कि आदमी लेफ्ट भागे तो मिसाइल लेफ्ट चली जाए, आदमी राइट भागे तो मिसाइल राइट चली जाए, और जिस टैंक को उड़ाना वो टैंक आगे निकल गया तो मिसाइल आगे चली जाए। गाइडेड मिसाइल कैसे बनाए, बर्बरी के उनको इस प्रसंग से गाइडेड मिसाइल, एक इंटरव्यू में बोले कि भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र सीखने को मिला। भाई भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र बड़ा रिमोट कंट्रोल्ड होता है, भाई कृष्ण ने चक्र छोड़ा और सामने वाले के पास जाके पहले चक्र रोक दिया, जितनी देर पहले बातचीत करनी है बातचीत कर लिया, चक्र घूमे जा रहा और जब बोलते खत्म करो अटैक करो तो चक्र मारा उसको और वापस आ गया। तो बोले यार ये बड़ा सिस्टम है, बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। तो वहां से उनको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल ये मॉडल उन्होंने शुरू किया और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक मिसाइल की झड़ियां लगा दी। देखो हु डेयर टू इमेजिन द इम्पॉसिबल आर द वंस हु विल ब्रेक ऑल ह्यूमन लिमिटेशंस। इमेजिनेशन के बारे में वो हर कॉलेज में लेक्चर दिया करते थे। 1985 में उन्होंने त्रिशूल नाम की मिसाइल लॉन्च करी, फिर उन्होंने पृथ्वी लॉन्च करी 1988 में, अब अग्नि के पीछे लगे हुए थे, उन्होंने आकाश भी कर दिया नाग भी कर दिया, अग्नि नहीं होती थी उनसे, अग्नि में बार बार फेल हो रहे थे। अग्नि मिसाइल ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था लेकिन देश भर में अब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, लोग अपने अपने हिसाब से इसका अलग अलग मतलब निकाल रहे थे भाई क्यों फेल हो रहे हैं। अमूल ने तो वहां पे एक एड लगा दी और अमूल कहता है कि अग्नि मिसाइल के अंदर तुम्हारे पेट्रोल कम पड़ जाता तो अमूल का बटर डाल दो। बार बार असफल होने पर उत्साह न खोना ही सबसे बड़ी सफलता है। बाकी सारे शक्तिशाली देशों को देख रहे थे, वो मिसाइल लॉन्च कर रहे थे, दूसरे महाद्वीप पे कैसे अटैक कर सके, इंडिया से मिसाइल छोड़े यूरोप तक पहुंच सके, अमेरिका तक पहुंच सके, दूसरे दूसरे महाद्वीप तक पहुंच सके, सब लोगों ने बड़ी तैयारी करी। इन्होंने 89 में अग्नि को जब लॉन्च किया तो रशिया US चाइना फ्रांस और UK के बाद भारत छठा देश था जिसने इतने पावरफुल मिसाइल्स बनाए। मेरी बात समझिए, दुनिया भर के 125 देशों को पीछे करके अब्दुल कलाम थे जिन्होंने भारत को छठे रैंक पर लाके खड़ा किया।
ये कहते थे मिसाइल यूज नहीं करना है लेकिन विराट रूप तो दिखाना ना अपना। दसवें अध्याय के बाद जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन उबासी ले रहा है, अर्जुन सीरियस नहीं ले रहा, तो मैं विराट रूप दिखाऊं। और जब कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, कृष्ण ने मारा नहीं किसी को, विराट रूप दिखाया, अर्जुन एकदम लाइन पे आ गया, बात समझ आ गई। कभी कभार बाजू का पाकिस्तान चाइना जब आंख दिखाए तो विराट रूप दिखा दो, थोड़ी मिलाई छोड़ देंगे, विराट रूप दिखा दो अपने आप लाइन पर, समझ आ गया आप मिला दो करिए। तो ऐसा बिंद्रा साहब का ना भी एक अपना सर है, पीएसएलवी को भी उन्होंने सफल कर दिया। आज वही कलाम जी की देन है कि पीएसएलवी से हमने 10 रुपए किलोमीटर के कम खर्च पे भी मंगल तक सफर पूरा कर लिया जी। 2014 में हॉलीवुड की मूवी में जितना खर्चा था उससे कम के अंदर तो हमने मंगल का सफर कर लिया। 2017 में ये अब्दुल कलाम जी थे जिनके चलते 104 सैटेलाइट एक रॉकेट से लॉन्च किए, दुनिया में सबसे सस्ता अफोर्डेबल प्रोग्राम, ये अब्दुल कलाम जी की देन थी। 1979 में वही कलाम थे, वही भारत था, कोई देश मदद नहीं कर रहा था, ये 1979 था। और आज 2017 में ये कलाम जी की देन है, जब दुनिया भर के देश इंडिया के पास आए, भाई हमारा भेज दो यार, अपने रॉकेट में हमारा भी भेज दो। हमने यूएस की मदद करी, नीदरलैंड की करी, स्विट्जरलैंड की करी, इसराइल की करी, कजाकिस्तान की करी, यूएई की करी, और हमारे 104 सैटेलाइट एक साथ भेजे थे, ये अब्दुल कलाम जी की देन है। अच्छा वापस चलते 93 के पीएसएलवी, जब उन्होंने इसको सफल बनाया उसी समय न्यूक्लियर पावर की बातचीत दुनिया भर में बहुत थी। अब मेन मुद्दा स्टार्ट हुआ है, धमकियां भी बहुत दे रहा था। अब बात यह है कि धमकियों से डरना पुरुषार्थ से बेईमानी है, और जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरे वही सच्चा हिंदुस्तानी है। कलाम जी सच्चे हिंदुस्तानी थे, उन्होंने तीन तरकीबें अपनाई। पहली, जितने भी अपने साइंटिस्ट है उनको आर्मी की वर्दी में डाल दो, सैटेलाइट को समझ ही ना आए कि भैया तो नॉर्मल आर्मी घूम रही है, ये कोई साइंटिस्ट थोड़ी है, ये तो नॉर्मल आर्मी है। पहला। दूसरा, जब भी ये कोई काम करेंगे उसी समय के बीच में करेंगे जब एक सैटेलाइट जाएगा और दूसरा आने वाला उसके बीच में कर लेंगे, एक आएगा एक जाएगा उसके बीच में कर लेंगे, एक आएगा एक जाएगा उसके बीच में कर लेंगे, ताकि पता ना लगे दुनिया को, टाइम में तैयारी करते थे। और तीसरा, काम खत्म होने के बाद जमीन को एकदम साफ सुथरा ऐसे सेट करते थे, जब सैटेलाइट आएगा पता नहीं चलता कुछ हुआ है यहाँ पे, वो आर्मी वाले आराम से घूम रहे हैं, अमेरिका को पता नहीं लगने दिया। 1992 से 97 लगातार उन्होंने काफी काम किए, आसपास के गांव और अन्य लोगों का भी नहीं पता चल गया हुआ क्या है। और यही रंग लाई 1998 में, भारत ने ऑपरेशन शक्ति के नाम से परमाणु परीक्षण कर दिया, चुपचाप कर दिया। आज इन्हीं प्रयासों से भारत परमाणु समृद्ध बन पाया है। पांच देश थे उस समय में, फ्रांस था, यूएस था, रशिया, यूके और चाइना, ये पांच देश थे। हमें किसी से दिक्कत नहीं थी, हमें चाइना से दिक्कत थी, क्योंकि चाइना चुपचाप उस समय पाकिस्तान को भी परमाणु शक्ति दे रहा था, वो उसको, वो तो आपको पता ही है जी है, वो तो उसके नाजायज, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो उसके चक्कर में, पाकिस्तान और चाइना के चक्कर में यहाँ इंडिया ने काम पूरा कर दिया। उनके लगातार प्रयास में चलते 1997 के अंदर उनको भारत रत्न दिया गया। 41 साल तक उन्होंने भारत की सेवा करी, 1999 में वो रिटायर हुए। उन दिनों वाजपेयी जी एक्शन में चल रहे थे, इधर यहाँ ये रिटायर हुए वाजपेयी जी एक्शन में, उन्होंने फोन मिला दिया, हाँ भी कलाम जी बहुत सुनो यार, अपना मंत्रिमंडल हम बना रहे हैं, तुम्हारे को हम मिनिस्ट्री देना चाहते हैं। लीडर थे वाजपेयी जी, अपने आप में विजनरी थे, बोले अब्दुल कलाम को लूंगा तो बहुत अच्छा सदर बनोगे, हमारे साथ जुड़ेगी, बुद्धिमता भी मिलेगी, इंटेलिजेंस भी बिल्ड होगा। अब्दुल कलाम जी को कन्विंस करने में लगे, कलाम जी बोले एक दिन बाद बताऊंगा जी। एक दिन बाद कलाम जी ने फोन कर दिया कि जी मैं अस्वीकार करना चाहता हूँ, बनूंगा, और मिल करके फिर जाके बोला कि मुझको एक नई पीढ़ी तैयार करनी है जो भारत को विश्व गुरु बना सके। एक नई पीढ़ी तैयार करने के लिए मैं कॉलेजेस में पढ़ाना चाहता हूँ, अपनी टीचिंग के प्रोफेशन के लिए अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु साउथ वापस चले गए। अगली बार यहां तो सब ठीक हो गया, अब जब राष्ट्रपति बनने का समय आया 2002 में, कई लोगों का नाम आया, बहुत सी चीजें आगे पीछे हुई, और उन्हीं दिनों जब वो नाम आया तो फिर से यहां घंटी बजते रही इनके ऑफिस के अंदर कलाम जी के। और जब ऑफिस में घंटी बजती रही, किसी को नहीं पता चला, तो किसी ने इनके वाइस चांसलर ने इनके यूनिवर्सिटी में जाके भाग के कलाम जी को बोला, अरे कलाम जी आपके यहाँ प्रधानमंत्री जी का फोन आ रहा है बार बार। फोन उठाया तो नमस्कार, बातचीत शुरू हुई, तो वाजपेयी जी ने कहा देखिए एक रिक्वेस्ट करूंगा, अब मना नहीं करना, पिछली बार आपने मना किया था, अब नहीं करना। तो कलाम जी ने पूछा कहिए क्या रिक्वेस्ट है। वाजपेयी जी बोले हम आपका नाम देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए रेकमेंडेशन देना चाहते हैं। अब्दुल कलाम जी मुस्कुराए और बोले एक घंटे का समय दीजिए। एक घंटे के बाद वापस गए, उन्होंने फिर फोन किया और स्वीकार कर लिया, बोला ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब कलाम जी का राज्य अभिषेक होना था, जैसे भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ 14 साल के वनवास के बाद में, और भगवान राम जब वापस आए
और उनका अभिषेक, तो अभिषेक के समय पर उनके भाई ने उनसे पूछा कि आप किस किस को राज अभिषेक में बुलाना चाहते हैं। तो भगवान ने बोला 14 साल में अथानी मेरे यहाँ कोई दोस्त है नहीं, और जो हमारे दोस्त थे उन सबको आप जानते ही हैं, आपने सबको इन्वाइट कर ही लिया होगा। और इतने में भगवान राम ने कहा हाँ, पर इस वनवास के दौरान मेरा एक दोस्त बना था, वही शुरुआत के जो साल थे उन दिनों एक नाविक हमें नदी पार कराया करता था केवट, वो केवट ने हमारी बहुत मदद करी है, वो हमारा मित्र है, उस केवट को बुला के लाओ राज्याभिषेक में। और केवट को लाके सबसे आगे भगवान राम के उस राज्याभिषेक में बुलाया गया था। ठीक उसी प्रकार जब अब्दुल कलाम जी से पूछा गया कि अब आपका भी राज्याभिषेक हो रहा है, यू आर गोइंग टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कलाम जी ने कहा आपने जिस जिसको बुलाना था सबको बुला लिया है, मेरे दो ही मित्र हैं। जब मैं साउथ में रहा करता था तो उस समय एक मोची जो मेरे जूते बहुत मदद करी, वो मेरा मित्र है, उसको बुला लीजिए। और एक ढाबे वाला जिसने उनको खाना खिलाया और कभी कभी दो रोटी एक्स्ट्रा भी खिलाई, बोला उनको दोनों को जरूर बुला लीजिए। विनम्रता के उदाहरण खत्म थोड़ी होंगे। आमतौर पर जब व्यक्ति बड़ा होता है या राष्ट्रपति बन जाता है तो कहीं कहीं ट्रक लेकर के राष्ट्रपति भवन जाता है और कहीं मल्टीप्लाइड एक्स्ट्रा ट्रक लेकर के बाहर निकलता है। पर अब्दुल कलाम जी केवल एक मात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो दो सूटकेस से भवन में गए थे और निकलते वक्त दो सूटकेस लेकर के भवन से वापस आए थे। उनकी कुल संपत्ति में क्या था? कुछ नहीं था। एक रामेश्वरम में उनका पैतृक घर जो उनके पिता ने बनाया था, 2500 उनकी किताबें, एक वीणा जिसको बजाने में उनको बड़ा आनंद आया करता था, वीणा बहुत बजाते थे, एक उनकी कलाई की घड़ी, एक सीडी प्लेयर जिसमें वो भजन सुना करते थे, एक लैपटॉप था, 6 कमीजें जिनमें 3 तो डीआरडीओ की दी थी, 3 उनकी खुद की थी, 4 पेंट थी टोटल, जो 2 डीआरडीओ की दी थी 2 उनकी खुद की थी, 3 सूट थे और 1 जोड़ी जूता। हाँ, लेकिन उनके पास खास बात क्या थी, 40 डॉक्टरेट थी, खुद पीएचडी की पढ़ाई कभी नहीं करी, कोई मेडिकल पीएचडी की पढ़ाई नहीं करी, पर जिस यूनिवर्सिटी जाते थे लोग उन्हें डॉक्टरेट देते थे, लॉ, इंजीनियरिंग, साइंस, कितनी तरह की डॉक्टरेट, पद्म भूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर अवार्ड, रामानुजन अवार्ड, कई प्रकार के उनको अवार्ड मिले। उनकी एक खास बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, हालांकि वो मुसलमान थे लेकिन वेजिटेरियन थे, उनका बड़ा प्रेम था, एनिमल्स आर एंजल्स विद फर, पक्षी जगत पर्यावरण का सूचक होता है, कलाम जी क्या कहते थे, वो पर्यावरण का सूचक है, और अगर वो मुसीबत में है तो समझ लेना कि अब हमारे भी बुरे दिन दूर नहीं है। एक बार उनको जो डीआरडीओ की उनकी दीवार हुआ करती थी ना बाउंड्री की, तो उनको बोला गया सिक्योरिटी के लिए कांच वांच लगा दो, बोला बिल्कुल नहीं, ये बर्ड्स के लिए बड़ा हार्मफुल हो सकता है, उन्होंने मना कर दिया। और जिस समय वो प्रेसिडेंट बने थे, बाद में जब वो राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन में जब वॉक किया करते थे ना, तो एक मोर को देखा जो ना मुंह खोल पा रहा ना बंद कर पा रहा है, उन्होंने वेटरनरी डॉक्टर को बुला के देखा तो देखा मोर के गले में ट्यूमर है, ना मुंह खोल पा रहा है ना मोर मुंह बंद कर पा रहा है, उन्होंने इसका इलाज कराया। एक लीडर की महानता का इसी बात से पता चलता है कि वो किन लोगों की मदद कर रहा है जो बदले में उन्हें कुछ नहीं दे सकते। जब कोई लीडर ऐसे लोगों की मदद करता है जो बदले में कुछ नहीं दे सकता, वही एक महान लीडर की निशानी है। अच्छा, अब्दुल कलाम जी की एक बात मेरे दिल को छू गई, वो परिवारवाद नहीं राष्ट्रवाद में बिलीव किया करते थे। जब वो राष्ट्रपति भवन में थे, see, he's a man of principle and therefore is always respected everywhere, उनकी क्योंकि जो भाई थे ना उनको बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे अपने भाई से, बचपन से ही प्रेम था, और उनके अपने सगे भाई का पोता दिल्ली के अंदर मुनीरका में किराए के कमरे पर रहा करता था। 2006 में जब कलाम ने एक दफा सारे परिवार को इनवाइट किया, क्योंकि उनका कोई परिवार वहां रहता नहीं था, वो राष्ट्रपति भवन में अकेले रहते थे, और जब एक बार उन्होंने सारे परिवार को बुलाया राष्ट्रपति भवन में तो वो लोग 8 दिन तक रहे, और सारे परिवार क्योंकि 10 भाई बहन थे तो 52 लोग आए, और कलाम जी ने देखा बहुत खर्चा हो रहा है तो उन्होंने चाय की प्याली तक का हिसाब रखना शुरू किया, सब लोगों को उन्होंने अजमेर शरीफ प्राइवेट बस करके भेजा, उसका भी हिसाब रखना शुरू किया, उन्होंने अपने अकाउंटेंट से सारा हिसाब बनवाया और बोला कि ये कितना बना, तो देखा 3,52,000 रुपए का चेक उन्होंने अपनी तनख्वाह से काट के दिया, और क्या कहा कि राष्ट्रपति भवन की जिम्मेदारी केवल राष्ट्रपति की होती है और परिवार की नहीं होती है। अब्दुल कलाम जी इतने विनम्र व्यक्ति थे, विनम्रता वो ऐसी चीज है, महान व्यक्ति की महानता ही उसकी नम्रता है। डॉक्टर कलाम को एक बार ITBHU के अंदर चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया, और जब वहां पे आए तो वहां पे 7 कुर्सियां थी, बीच वाली कुर्सी थोड़ी ऊंची थी, और जो बीच वाली कुर्सी ऊंची क्योंकि वो राष्ट्रपति थे उनको बैठना था, उन्होंने बोला ना 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 कुर्सी हटाओ, बराबर की कुर्सी लगाओ, तो बोले नहीं सर ये स्पेशल कुर्सी है हमारे चीफ गेस्ट के लिए, तो वो समझ गए कि चीफ गेस्ट कौन होते हैं भैया, जो एजुकेशन में महागुरु है वही है, तो उन्होंने वाइस चांसलर को बोला आप आइए बैठिए, वाइस चांसलर घबरा गए, बोला राष्ट्रपति आप हैं, यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री, आप बैठेंगे, बोला बिल्कुल नहीं, फिर उन्होंने अपनी कुर्सी हटवाई, बराबर की कुर्सी पे बैठे। कलाम जी ऐसे थे, ईमानदारी एक जादुई गुण है, यदि आपका हृदय ईमान से भरा है तो शत्रु क्या पूरा संसार आपके साथ खड़ा है। कहते हैं कि कोई भी पैतृक संपत्ति माता पिता की दी हुई, कोई भी पैतृक संपत्ति ईमानदारी के बराबर आपको अमीर नहीं बना सकती। सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति वही जो ईमानदार है।
आपके साथ खड़ा है। कलाम साहब तो एवर यूथफुल थे, 70 साल की उम्र में यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको मिला। हमेशा जीवन में भगवत गीता और कुरान दोनों साथ में रखते थे। 83 वर्ष की उम्र में उन्होंने रिटायर नहीं किया, रिट्राई किया। He was not tired up. आंखों में रोशनी तो उनकी कम हो रही थी, पर युवाओं के भविष्य को रोशन करने में लगे थे। उनके शरीर के पांव के कदमों की गति कम हो गई थी, पर देश की समृद्धि की गति को बढ़ाने में लगे हुए थे। एक असाधारण, एक अनोखा, अस्वाभाविक, अलौकिक व्यक्तित्व के 2015 में हमेशा के लिए हमको अलविदा करके चले गए। और कहां गए? उसी IIM शिलोंग के अंदर आखिरी लेक्चर देते वक्त, जैसे क्षत्रिय अपने मैदान में लड़ाई गति को प्राप्त करता है, ऐसे ही IIM शिलोंग के अंदर लेक्चर देने के बाद तुरंत वही लेक्चर देते वक्त, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, वैसे ही इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई कलाम नहीं होगा। स्विट्जरलैंड जैसा देश जो साइंटिफिक रिसर्च के मामले में 8वें पायदान पे आता दुनिया में, और जब वो 26 मई कलाम स्वयं जब उनके देश गए थे, तो वही स्विट्जरलैंड उसको साइंस डे के रूप में मनाता है। UN उनके जन्मदिन को UNO कहता है कि इसको हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं। बन जाती है परिभाषा भारत के सम्मान की जब जब बात होती है श्री APJ अब्दुल कलाम की। अब्दुल कलाम जी रेस्ट इन पीस नहीं है, बट रेस्ट इन मी है। अब्दुल कलाम जी आप लौट गए, आप कैसे आएंगे? अगर आप नहीं आएंगे तो आपके शिक्षा के रूप में तो आप हमारे साथ हैं। आज बड़ा बिजनेस भी, इतने सारे बिलियनेयर प्रोफेसर हैं, आप हमारे प्रोफेसर नहीं है, लेकिन आपकी शिक्षाओं को हमने प्रोफेसर बनाया। आज बिलियनेयर प्रोफेसर के साथ अफोर्डेबल तरीके से सबको सिखा रहे हैं। आज कलाम साहब भी अगर हमारे प्रोफेसर होते तो कितनी ताकत बढ़ जाती, पर उनकी लर्निंग को तो प्रोफेसर बना सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो मिट्टी के तेल में पढ़ करके जीवन में आया, जिसने हाथ में फिजिक्स की किताब, जिसने दिन रात पढ़ाई करी, अखबार बेचते पढ़ना सीखा। और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, क्या आप उनके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। सरदार पटेल के विषय में वीडियो देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। जी रेस्ट इन हार्ट्स, सर इसने बोला है रेस्ट इन माय हार्ट। बड़ा वीडियो भाई, बहुत। एक तो उन्होंने जिस तरह से पूरी जर्नी की ना, कि वो शुरू में वो तेल के साथ, उनके पास यानी कि बिल्कुल ही लोअर क्लास से वो बिलोंग करते थे, और जिस तरह से वो बीच में उन्होंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था, उन्होंने रॉकेट जो पहला बनाया था, पहला और तबेले को उन्होंने अपना वो लेबोरेटरी बनाई थी, और वो एक जो घर था उनको वर्कशॉप बनाया था, और रिसर्च वहाँ पे की थी, और फिर वो गया था लाइक आफ्टर उसके, मतलब उन्होंने 3 दिन में जो रॉकेट बनाया था, बहुत मॉडल था, मॉडल वो जब उनको वो टीचर ने डांटा, टीचर ने डांटा, उन्होंने कहा आपकी स्कॉलरशिप जो है वो छिन जाएगी, खतरे में है। तो फिर वो ये बता रहे थे कि अगर आप जी जान, मतलब कि वो 72 घंटों में उन्होंने ना सोए, ना खाया, ना पिया, और वो प्रोजेक्ट बनाया। हां वही बात ना, वो कह रहे थे इफ यू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। हां अगर अगर वही सूरज की तरह चमकना है तो फिर सूरज के सामने फिर जलना तो पड़ता है। और आप देखिए उन्होंने हर, मतलब वो नासा में भी काम किया, इसरो के डायरेक्टर, और देखे नासा से फिर दोबारा इसरो, मतलब कि ट्रू इंडियन, ट्रू इंडियन। देखिए अगर किसी को नासा में मिल जाए ना एक जगह, वो नासा से वापस नहीं आएगा, लेकिन वो पेट्रियोट थे ना, ईमानदार। और उन्होंने देखो नासा से कितना सीख कर आए होंगे, समझ कर आए होंगे, शेयर मतलब किया होगा, अच्छा वो, लेकिन आखिर वो अप्लाई कहां किया? अपने कंट्री में। नॉलेज तो वो बचपन से अखबार पढ़ते थे, जैसे जा रहे थे रास्ते में अखबार पढ़ते हुए जाते थे, 500 बुक्स है उनके पास, तो सोचो कितना ही पढ़ते होंगे। ये भी सही कह रही है कि बचपन में जब वो अखबार ड्रॉप करने जाते थे तो रास्ते में पढ़ते थे, तो लेकिन ये देखा है कि वो पहले नासा में भी, इसरो में भी, उसके बाद डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री, फिर शुरू में उन्होंने मिसाइल्स बनाए, मिसाइल्स के बाद जब देखा कि सब इर्द गिर्द जो है चाइना भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, फिर एटॉमिक बॉम्ब की तरफ आ गया, और फिर वो वाली जो स्टोरी है कि मतलब के सैटेलाइट्स हैं तो आ रहे हैं तो जा रहे हैं, बीच में यूनिफॉर्म पहन लो, यूनिफॉर्म पहन लो। उस वक्त वाकई में आपको बताती हूँ कि दुनिया ने इस तरह से छुपा छुपा के यार इनको पता ना लग जाए पहले से, वरना ये हो जाएंगे, क्योंकि यूएस को ये हो जाएगा कि अगर ये भी, यूएस को ना शुरू में था कि एटॉमिक पावर ना ही बने, कोई भी ना बने। यूएसए कभी नहीं चाहता था कि इंडिया, पाकिस्तान या ये जो बाकी कंट्रीज हैं इनके पास एटॉमिक ऐसा है, सिर्फ उसी के पास रहे। यूएस का ये था शुरू में ये कि हमारे पास ही रहे, किसी के पास ना हो, क्योंकि वो एक ताकत होती है ना अलग किस्म की, वो कह नहीं रहे मतलब सिक्योर हो जाता है कंट्री, सिक्योर ये नहीं कि वो चला देना, लेकिन डराना तो है ना, डर तो होना चाहिए ना, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, सेफ्टी के लिए जरूरी है वो।
लेकिन उन्होंने जिस तरह से कि वो सारे जितने भी रिसर्चर्स थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, वो सारे आर्मी के कपड़े पहने हुए लगे कि बस ये तो वही है, वो कर रहे हैं अपना जो काम कर रहे हैं। और अच्छा ये पड़ा था कि एक सैटेलाइट गुजरेगी और जो दूसरी सैटेलाइट आएगी उसके जो दरमियान में जितना काम है वो कर रहे हैं। सैटेलाइट सी यूएस की, यूएस के सारी मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में सब बैठे होंगे देख रहे होंगे कि किस कंट्री में क्या हो रहा है, किधर क्या चल रहा है, किसकी बेस वो जो होती है, जो बेस होते हैं ना आर्मी के, उधर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और ये सारा कुछ बड़ा नोट किया जाता है। और इसमें जो डॉक्टर जो विवेक बिंद्रा साहब है, उन्होंने एक और चीज बड़ी डिस्क्राइब की और बड़े खुल के कि वो इंसान कैसे थे। एक तो ये चीज है ना कि ये उनकी अचीवमेंट कैसे थी, उन्होंने कौन से मिसाइल बनाए, एटॉमिक बॉम्ब बनाया इंडिया के लिए। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई कि जिसमें सिर्फ इंसानों की बात की उन्होंने, कि किस तरह वो मोर वाला किस्सा, एनिमल वाला, फिर वो जो खानदान और वो, कि मैं जो चेक पे करना, कि यहाँ पे तो एक अगर यहाँ के किसी भी पॉलिटिशियन की सहरत देखें वो तो कहते हैं कि जी अब आवाम के पैसे पे अपने खानदान पालने हैं, तो देखें उनका विजन। अच्छा वैसे वो आपको कैसा लगा, वो जो लीडर ने खुद पे ले लिया सारा फेलियर? हाँ वो बड़ा पॉइंट था कि जिसमें मतलब कि उनको लगा कि यार उसमें क्या होता है कि वो जब लीडर होता है उनको होता है कि यार इन्होंने कोशिश की, अच्छी की है, फेल हुए हैं, कोई मसला नहीं है, ये जिम्मेदारी मैं कबूल कर लेता हूँ, इनको अनदर ट्राई के लिए करते हैं। उन्होंने दोबारा बना लिया और वो सक्सेसफुल हुआ वो। और फेलियर तो जरूरी है, फेलियर तो अगर आपकी लाइफ में फेलियर नहीं है तो आप सक्सेस कभी भी नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैसेज था कि दिल में आपने अपना फेलियर नहीं बिठाना और दिमाग में सक्सेस नहीं बिठाना। बिल्कुल वो जो सक्सेस है जो आ जाए दिमाग में चढ़ गई और बंदा जो है फितूर में आ गया और फिर दोबारा धड़म नीचे गिरा। और अगर फेल हो गए तो ये नहीं कि आप दिल में रख लेना कि एक्सीलेंस के पीछे भागना है, सक्सेस के पीछे नहीं भागना। वो हमने देखा था ना। और उन्होंने एक और दो चार चीजें भी बीच में जो है ना वो बड़ी ज्यादा डिस्क्राइब की हैं, और वो ये था कि बार बार अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद ना उनका विजन जो है ना वो पीछे फिर स्टूडेंट्स की तरफ जाता था। उन्होंने फिर बात की कि मुझे जो है ना आने वाली यूथ को बहुत कुछ देना है, नॉलेज से प्यार था ना, मतलब अपना जो नॉलेज है ना टीच करते थे बच्चों को। उनका माइंड ये सेट था, ये था कि मुझे जो आने वाली जनरेशन है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास नॉलेज है ना, ट्रांसफर कर दूं, ट्रांसफर कर दूं, कन्वे कर दूं। तो ये बहुत बड़ा विजन था उनका। वरना हर कोई ये होता है कि यार हमने ये किया है तो ये चीज आगे ना हम लेके जाएं ताकि हमारे एक इम्पोर्टेंट सीक्रेट। अच्छा यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा मेरे से लोग एक ना मैं यहाँ पे बहुत बड़ा कड़वा फैक्ट यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी, ये बोलते हुए मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, और वो ये है कि उधर डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, इधर डॉक्टर अब्दुल कदीर थे, बिल्कुल थे। उनकी लाइफ स्टोरी और उनकी सक्सेस और वो देखें कि किस तरह प्रेसिडेंट और किस तरह उनको इज्जत और इतने अवार्ड और क्या हाँ और कैसे उनको प्रमोट किया गया। और यहाँ पे अदर साइड अगर इधर देखें तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के साथ क्या उनकी क्या लाइफ है, उनकी जाते हुए जिंदगी कैसे गुजरी, जब वो डेथ हुई तो फिर कैसे हुई, उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया। तो ये एक फैक्ट है, ये हकीकत है और ये कड़वी है और हमें एक्सेप्ट तो करनी है। नहीं हम हमारे अंदर एक ऐसा बंदा आ गया और ये लोग जो थे सारे इतना डर गए कि इसमें ये बना दे भी किसी और को ना ये सीक्रेट बता दे, जबकि वो थोड़ा सा ट्रस्ट अगर करते हैं ना उनपे और उन्हें अच्छी एक वो मिनिस्ट्री प्रोवाइड करते कि वो आगे जिस तरह इंडिया वाले की उन्होंने भी जो ट्रस्ट करके उन्हें नासा में भेजा था ना, तो लेकिन बहुत बुरा हुआ है जो ये आप बता रहे हैं। अगर हम पूरी हिस्ट्री के साथ जाके देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर की, तो उनकी हिस्ट्री इस तरह से बड़ी नहीं है ना। उनसे एक सवाल पूछा गया था, जियो का वो है, जियो का प्रोग्राम है, तो उनसे एंकर सवाल पूछता है कि सबसे बड़ा दुख जिंदगी का कौन सा, तो कहता है इस आवाम की खिदमत की है, इस मुल्क की खिदमत की है, इन हुक्मरानों का काम किया है। मतलब ये देखें कि एक साइड पे जो अब्दुल कलाम साहब हैं उनको उनके पॉलिटिशियंस किस तरह कन्वेंस कर रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट बने, आप प्रेसिडेंट बने, आप प्रेसिडेंट बने, उन पे ट्रस्ट कितना है कि इसने हमारे मिसाइल्स बनाए, इसने हमारा एटॉमिक बम बनाया, हमें पता है ये नहीं करेगा, ये रिवील ही नहीं करेगा, इसको पता है कि स्टूडेंट्स को कितना कितना बताना है, ये गद्दारी नहीं करेगा, लेकिन हम हमारा अपने लोगों पे भी ट्रस्ट नहीं है, हमें
लग जाता है कि यार हम अगर वो अगर कुछ ऑफिशियल, क्योंकि जिन्होंने ट्रस्ट करना है वो खुद ट्रस्ट के काबिल नहीं ना, तो उनको लगता है कि अगला भी शायद ट्रस्ट के काबिल नहीं, अगला भी ट्रस्ट के, अगर हम बिक सकते हैं तो यार ये भी बिक सकता है, ये भी बिक सकता है, ये बहुत ये कड़वा ये है कड़वाई, और कड़वा साथ जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वो सेहत के लिए भी ठीक होता है और मुल्क के लिए भी ठीक होता है। उससे क्या है कि इंसान थोड़ा नेक्स्ट टाइम सीखता है और लोग उससे सीखते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे बहुत दुख होता है जो हमारे साइंटिस्ट है, उनके लिए मुझे बहुत दुख होता है। और जिस तरह इन साइंटिस्ट का हमने देखा है, आज भी देखें किस तरह उनको जो है वो इज्जत दी जा रही है, आज भी देखें लोग कितना उनकी एहतराम करते हैं। और देखो अब वो जो थे स्विट्जरलैंड, वहाँ के जितने सारे थे, अब वो उनका स्टूडेंट डे बना रहे हैं उसके, और यानी कि वो जो है पूरी दुनिया जो है वो कुछ ना कुछ डे बना रहे हैं, वर्ल्ड साइंस डे बना रहे हैं, स्टूडेंट डे बना रहे हैं, तो यानी कि पूरी याद रखा होगा ना, इंडिया ने अपने उसको इतनी इज्जत दी तो फिर दुनिया ने भी इज्जत दे रही है। वही कहते हैं ना, वही बात आ गई ना, जब आप अपनों को इज्जत दोगे ना फिर ही दुनिया आपको इज्जत देगी। तो जिस तरह उन्होंने इज्जत दी, आज भी अगर हम अपनी ऑडियंस से अपने सब्सक्राइबर से पूछें कि डॉक्टर अब्दुल कलाम आपके लिए क्या है, एक सवाल हम इनसे करें क्या है, तो देख लेना कमेंट सेक्शन में भर जाएगा, इतना वो हम वो अल्फाज सोच भी नहीं सकते जो अल्फाज डॉक्टर अब्दुल कलाम के लिए बयान होंगे। ये देख लेना कमेंट सेक्शन में कि उनकी फीलिंग्स एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ी हुई है। वो कहते हैं कि हमारे लिए ये बहुत बड़े महान इंसान है, इन्होंने जो हमारे इंडिया के लिए किया है वो बात नहीं बार बार कर रहे थे कि ये क्रेडिट इसरो का अब्दुल कलाम साहब को जाता है, हमने 104 इकट्ठे मिसाइल खोले तो उसका क्रेडिट भी अब्दुल कलाम, मतलब कि पायनियर बहुत मैटर करता है कि इस चीज को या इस वे में डायरेक्शन देने वाला स्टार्ट वाला इंसान कौन था। और अब ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस इंसान की बहुत इज्जत होती है जो कि उसको स्टार्ट दे रहा होता है, जो जिसने जिसने उसको बिल्कुल जीरो से काम किया और आगे लेके जाया जाता है, उस इंसान की बहुत कदर होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। और वही काम किया हुआ देखें आज इसरो का कितना, आज भी तो कितना गगनयान स्टार्टअप तो मंगलयान, तो देखें वही इसरो आज दुनिया में छाया पड़ा है। अब तो पहले तो था ना उस टाइम पे, उस टाइम पे ठीक है कि नासा बहुत बड़ा था, इसरो थोड़ी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन अब इसरो नासा को टक्कर दे रहा है फुल, नींदे उड़ा दिए नासा की। इसरो अब्दुल कलाम की बहुत ज्यादा एक वो पुश होगा इसरो का कि अब वो टक्कर दे रहा है। विवेक बिंद्रा साहब कह नहीं रहते कि इसके पीछे उसका क्रेडिट, इसके पीछे उनका क्रेडिट, तो ओवरऑल लेवल है भाई। बहुत बहुत कमाल वीडियो थी, बहुत हमें जानने को मिला थोड़ा बहुत, तो हमें दुनिया में नाम बना गया। अच्छा बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता थी, थोड़ी बहुत पता थी कि एटॉमिक बॉम्ब बनाया है, सर प्रेसिडेंट बने, लेकिन ये नहीं पता था कि शुरू किस तरह स्ट्रगल करके गए, इस तरह से हमें नहीं आइडिया था। खैर आप बताएं कि आपके लिए अब्दुल कलाम सर के क्या मायने रखते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है उनके लिए, कमेंट, और एक लाइन भी उनके लिए, एक लाइन भी आपने जो है वो जरूर लिखनी है, ये जरूर ये चीज चाहिए। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मजीद बताते रहे कि भाई किस किस चीज पे रिएक्शन हम दें, हम देखें। अच्छा बहुत ज्यादा लोग ये भी कह रहे थे कि आप दे नहीं रहे हो, गुस्सा कर रहे थे, तो भाई हमने दे दिया है, अब आप लोग देख लें और भी हम इस तरह से, और बहुत सारी चीजें जो है अभी पेंडिंग में है, अगर हमारी वीडियोस नहीं आ रही है तो वो हमारी लिस्ट में है, वो चीजें पढ़ लेते हैं, हमने वो रखी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएंगी, थोड़ा थोड़ा सबर, स्टेप बाय स्टेप, चेक एंड बैलेंस है। खैर आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर, टेक केयर।